हाँ बताओ क्या कह रही थी। मैं कह रही थी तुम ही तो कह रही थी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है मुझसे। हाँ असल में हाँ इब्राहिम के बारे में बात कर रही थी ना। वो सोच लो अच्छी तरह, इब्राहिम के बारे में ही बात करनी थी ना। सच में अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। तुम क्या कहना चाह रही हो? ये तुम सही नहीं कर रहे मुराद। मेरे साथ मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं, एक धोखा था वो बस, और तुम्हारी वजह से किया था। तुमने ही कहा था तुम हमें साथ देखना चाहते हो, ऐसा क्यों कहा था तुमने मुझसे मुराद? इसलिए कि डरता था कि तुम हर्ट ना हो। दीदन के साथ सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं बताएंगे, तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। कोई ज्यादती नहीं होती, बता देते। अच्छा क्या कहता? मेरी आंखों की तारीफ कर देते। बाकी तुम्हारी आंखें खूबसूरत, जब इन बड़ी बड़ी आंखों से तुम मुझे देखती हो तो लगता है जैसे कायनात थम गई हो। सर कसम से, तुम्हारी कसम। लव यू। ओके, तो आखिरकार एक दूसरे के साथ दिल की बातें करने का मौका मिल ही गया हमें। बहुत सी बातें जानना चाहती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। कैसी बातें हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। मुझे खाने में लगाकर बात टाल रहे हो तुम। ओके ओके, पूछो क्या पूछना चाहती हो, कोशिश करूंगा सब बता दूं तुम्हें। बहुत मीठे अंगूर हैं। ठीक है चलो शुरू करती हूँ मैं क्वेश्चंस। ओके, स्कूल में कौन सा पीरियड सबसे फेवरेट था तुम्हारा? मेरा फेवरेट था ज्योमेट्री। क्या, कोई इंसान ज्योमेट्री भी पसंद कर सकता है? ग्रेट सब्जेक्ट है, तखयुल बढ़ाता है इंसान का। हाँ ये तो है, पहले कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं। अपना बताओ। बता दूंगी मगर प्रॉमिस करो हंसोगे नहीं मुझ पर। प्रॉमिस। वो पीरियड जब टीचर क्लास में नहीं आती थी। यार तुमने प्रॉमिस किया था। अरे खाली पीरियड किसी का फेवरेट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि जब टीचर नहीं आती थी ना तो हम खूब खेलते थे, खूब मजे करते थे। इंग्लैंड में भी ऐसा होता है कि टीचर क्लास में ना आए? बिल्कुल होता है। क्यों, वहाँ टीचर्स पर पाबंदी है कि वो बीमार नहीं हो सकते अचानक से। जब मैं छोटा था ना तो एक्टर बनना सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा। वाकई? बिल्कुल। ये लो और खाओ।